आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस जो है अच्छे से समझा दिया था, बुक्स भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, क्या है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप गौर से देखो तो माइक्रोबायोलॉजी का जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, तो आंसर आपका क्वेश्चन में ही है। जैसे कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन्स स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी के मतलब होता है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके तो जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी खोज जो है या फिर उसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वैन लुइनहॉक ने 1676 में। ये एक साइंटिस्ट है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ओके तो ये क्या थे, ये एक धोबी थे। ओके थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता रही हूँ। ये धोबी थे तो ये एक दिन क्या किए कि पॉन्ड में कपड़े धो रहे थे, तो इन्हें ऐसा लगा कि सेल से भी छोटी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि 1675 में क्या हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई थी। बट उससे पहले सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी। तो फिर इन्हें ऐसा लगा तो इन्होंने क्या किया कि उसी पॉन्ड में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। तो ये फर्स्ट टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखा गया था वो होममेड माइक्रोस्कोप से देखा था, जिसे किसने बनाया था, एंटोनी वैन लुइनहॉक ने खुद से बनाया था, जिसका जूम आउट पावर था 300 times। ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पाश्चर। इसे अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन लुइनहॉक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर है। ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर है, ये आज के ज़माने के हैं। ओके बट क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको लुइनहॉक का ही नाम लिखना है। जब फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का नाम आए तभी आप लोगों को लुइस पाश्चर लिखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स एज दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे माइक्रोब्स भी कहते हैं, उसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर होता है, डेड टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वो मर जाते हैं वो टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ओके और जिस टेम्परेचर में वो जिंदा रहते हैं वो है 404 डिग्री सेल्सियस। एसिडिक एनवायरनमेंट में, जिस एसिडिक एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकते हैं वो है pH 1.0। और यही रीज़न है कि ये ठंड में भी रहते हैं। तो अब जब अंटार्कटिका कभी जाओगे ना, तो ये नहीं सोचना कि अंटार्कटिका में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वहाँ भी होते, क्योंकि ये ठंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। बट जब 110 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तब ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ओके और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बिलियन ऑफ ईयर्स जो है अर्थ पे है, मतलब हमारे आने से पहले से ही ये अर्थ पे। ये बात अलग है कि इनकी डिस्कवरी बाद में हुई, बट इनकी ये क्या है कि बिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ में है। ओके और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से इनके ग्रुप है जिन्हें हमें पढ़ने हैं, तो वो है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये सारे जो है ये हमें माइक्रोब्स के अंदर ही पढ़ने हैं, इनकी स्टडीज़ हमें करनी है। अब बात करते हैं इनकी साइज की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज जो है वो 20 nm टू 5 mm इन डायमीटर क्या है होती है इनकी साइजेस। प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जिंदा रहते हैं और उसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ओके बट वायरस एक ऐसा असेल्युलर है जो कि
ये लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है. ओके जब तक इससे एक जब तक कि ये जैसे कि कपड़ों पर है या फिर दीवार पर है या कहीं पे भी है अगर ये, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये कुछ भी नहीं है. बट जैसे ही इसे एक बॉडी मिलती है, एक सेल मिलती है, ये क्या करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब कि हमें हार्म करने लगता है. हमें ऐसा लगता है कि ये लिविंग, ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये हमारे नोज, एयर्स, एनस, ये सब के जरिए क्या होता है कि हमारे हमारे बॉडी में इंटर करता है, लेकिन अगर हम इससे जब तक इजाज़त ना दें, ये हमें हार्म नहीं कर सकता. इसी वजह से जब अब कोरोना वायरस आया था तो हमें कहा जा रहा था कि गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि मौत के थ्रू पे ये क्या हो रहा था, हमारे बॉडी में इंटर कर रहा था. बट जो वायरस है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके क्या होते हैं, डेड टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस. इस वजह से कहा जा रहा था कि पानी को जो गर्म नहीं करना, बिल्कुल बॉइल्ड करके उसे पानी को हमें क्या करना है, पीना है. तो उससे क्या होता है कि कोरोना वायरस भी जो है वो ख़त्म हो रहा था, जैसे कि कह सकते हैं कि उससे हम थोड़ा सा बचाव हो रहा था हम लोगों का. तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है. बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि ये क्या होता है, कपड़ों पर कुछ घंटे रहता है, ऐसा नहीं, ये हमेशा रहता है. ओके ये हमेशा ही रहता है, बट जब तक ये हम इसे टच नहीं करेंगे, जब तक कि इसे हम हमारे बॉडी में इंटर होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये हमें हार्म नहीं कर सकता है. इस वजह से कहना जा रहा था कि जब भी आप खाना खाओ तो हाथ धोकर खाओ, क्योंकि हम कहीं कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारे घर में है या नहीं, बट ये एवरीवेयर है. ओके याद रखना कि एवरीवेयर, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. तो ये तो हो गया सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. अगर इसमें भी आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो. अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन लिविंग वर्ल्ड. अब पोजीशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिविंग वर्ल्ड में. ओके तो इनकी जो पोजीशन है, ये फर्स्ट जो पोजीशन थी, जो सबसे पहली पोजीशन जो थी, ये सिर्फ दो पोजीशंस थी. दो पोजीशंस मतलब एनिमलिया एंड प्लांट. एनिमलिया मतलब तो एनिमल, प्लांट मींस प्लांट, मतलब कि एनिमलिया प्लांट थे और इन्हें सिर्फ दो ग्रुप पे रखा गया, जैसे कि एक्टिव मोमेंट एंड फोटोसिंथेसिस. इसी इन्हीं दो के आधार पर ही दो ग्रुप बनाए गए थे. बट फिर क्या हुआ, समटाइम्स के बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, अर्नस्ट हैकल इनका नाम था, इन्होंने 1866 में एक और ग्रुप बना दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा था. तो इन्होंने प्रोटिस्टा बनाया और इनका कहना ये था कि प्रोटिस्टा है तो ये इसमें भी इन्होंने दो ग्रुप बनाए. जैसे एक प्रोटिस्टा इन्होंने बनाया लैग न्यूक्लियस, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया, एंड एक ग्रुप बनाया गया प्रोटिस्टा में जिसमें न्यूक्लियस थे, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोटोजुआ, एल्गी एंड फंजाई. ये इसके अंदर है. ओके ये नहीं सोचना कि इसके नाम ही है, ये एग्जांपल है. ओके एंड इसके आगे की बात करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा गया. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इन्होंने क्या पाया कि इसके अंदर एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है. ओके तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इससे और दो सेल में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनके पास अल्ट्रा सेलुलर ऑफ सेल्स थे, तो उन सेल्स का नाम क्या दिया गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये दो नाम दिए गए. प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसे रखा गया, बैक्टीरिया को. अब क्यों रखा गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब यह था जिसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, एब्सेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके सेल मेम्ब्रेन. एंड जो यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक में किसे रखा गया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई, जिनमें क्या थे, प्रेजेंट थे
प्रेजेंट क्या थे, सेल मेम्ब्रेन थे। ओके, अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैक्टीरियम तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर सेल मेम्ब्रेन से ये तो कवर्ड ही नहीं होगा ना। बट जो यूकैरियोटिक थे, मतलब कि जो प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई थे, इनमें न्यूक्लियस थे, और न्यूक्लियस क्या थे कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड थे। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक के मतलब होता है पुराना। इसे इस तरह से भी डिस्कवर किया गया जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसे पूरा मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगी। ये तो एक छोटा सा ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया को रखा गया क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट था। ये छोटा सा अर्नस्ट जो हैकल थे उन्होंने बताया। एंड यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक मीन्स हो गया कि जिसमें आप लोगों को प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई को रखा गया जिसमें क्या थे, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट एच विटकर इन 1969। इन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट यहाँ तक तो डिस्कवरी हो चुकी थी, यहाँ तक तो इनका जो ग्रुप था वो बन चुका था, पर ये आए, ये वहाँ से क्या किए कि फिर से तीन ग्रुप बना दिए। ओके, फर्स्ट ग्रुप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने किसे रखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, ये इनका फर्स्ट हुआ। सेकंड जो था, सेकेंड इन्होंने रखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या था कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्यूलर या फिर सिंपल कह सकते हैं आप, और मल्टीसेल्यूलर। एंड थर्ड जो था उसका नाम था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये कैसे खाना खाते, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे रखते हैं। फर्स्ट तो था फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग सब जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ऑटोट्रोफी। ये किसने बताया था, ये बताया था रॉबर्ट एच विटकर ने। ये तीन पार्ट में इन्होंने डिफाइन किया, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में इन्होंने किसे रखा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते थे। एंड सेकेंड इन्होंने किसे रखा, हेटरोट्रॉफिक, जो क्या करते थे, जो किसी और से खाना लेते थे। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर से
इतना होने के बाद भी इन्होंने फिर से फाइव किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म से थे उन्हें डिवाइड कर दिया. ओके, फर्स्ट जो था ही प्लेस्ड ऑन प्रोकैरियोट्स इन द किंगडम मोनेरा. जो प्रोकैरियोट्स थे उन्हें क्या किया, मोनेरा में रखा गया. किस किंगडम में रखे, मोनेरा में. यूकैरियोट्स थे यानी कि ये जो यूनिसेलुलर थे उन्हें किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में. एंड जो मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर थे उन्हें किस किंगडम में रखा गया, फंजाई में. एंड जो मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स थे उन्हें किस में रखा गया, किंगडम प्लांटे में. एंड जो लास्ट थे जो कि कंज्यूमर्स थे उन्हें किस किंगडम में रखा गया, एनिमेलिया. तो ये फाइव किंगडम फिर से किन्होंने किसने दिया, रॉबर्ट एच विटकर ने. यहाँ तक आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है, क्योंकि ये जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डीपली बताऊँगी. और अगर किसी को भी यहाँ तक समझ में नहीं आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. इंस्टा का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताती हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक खुद में ही एक ब्रांच है. ओके, सबसे फर्स्ट तो यही है कि ये खुद में ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत छोटे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे नेक्ड आय से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते. इन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड देन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने. क्योंकि इन्होंने ही सबसे फर्स्ट डिस्कवरी की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. कब किया था, 1676 में. उसके बाद हमारे क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, जिनका नाम क्या है, लुईस पाश्चर. ये अभी के क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. ध्यान रखिए कि ये अभी के, ये पुराने हैं, बट इनका नाम भी आता है क्वेश्चन में. उसके बाद हम क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमनली स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इनका जो डेड टेम्परेचर है वो है 110 डिग्री सेल्सियस. एंड जिस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं वो है 404 डिग्री सेल्सियस. इनका एसिडिक एनवायरनमेंट क्या है, पीएच 1.0, और ये बिलियन ऑफ एयर से हमारे अर्थ पे है. माइक्रोब्स का ग्रुप है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजुआ. इसके बारे में हमें क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी में इसके स्टडीज करनी है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो साइज है वो है 20 nm to 5 mm डायमीटर. ओके, एंड समटाइम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं. ओके, वो एनी टाइम लिविंग होते हैं, और उनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं. बट जो वायरसेस होते हैं ये असेलुलर होते हैं, एंड ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं. ओके, ये नॉन लिविंग तब तक रहते हैं जब तक ये हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर जाते. जब ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड, के पोजिशन क्या है माइक्रोब्स का लिविंग वर्ल्ड में. तो सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे फर्स्ट जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में थे, एक एनिमेली एक प्लांट है, जिसे क्या कहा, एनिमेलिया को एक्टिव मूवमेंट में रखा गया, प्लांटे को फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इस वजह से. उसके बाद फिर आए एक अर्नस्ट हैकल. ये क्या थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 में एक और ग्रुप प्रपोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में इन्होंने फिर दो ग्रुप दिए प्रोटिस्टा के अंदर ही, जिन्होंने इन्होंने नाम रखा प्रोटिस्टा लैग्ड न्यूक्लियस. लैग्ड न्यूक्लियस मतलब कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया. एंड एक और ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था न्यूक्लिएटेड, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई. उसके बाद फिर इन्होंने जो है
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जब फिर से देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो देखा गया कि उनमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, बट जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं उनमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। इस वजह से क्या किया गया, उन्हें प्रोकैरियोट में रखा गया, दो नाम दिए गए। उसके बाद फिर जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते थे, जो कि एक जो उनका न्यूक्लियस था वो एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, तो उसे क्या किस ग्रुप में रखा गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखा गया। उसके बाद फिर से एक रॉबर्ट एच विटकर आए 1966 में, इन्होंने फिर से तीन ग्रुप बनाए। फर्स्ट का नाम था कॉम्प्लेन टीटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि वो कैसे खाना खाते हैं। तीन बेसिस पे इन्होंने फिर से क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, जो बॉडी स्ट्रक्चर था एक प्रोकैरियोट एंड एक यूकैरियोट। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो एक था यूनिसेल, एक है मल्टी सेलुलर। उसके बाद न्यूट्रिशन, मतलब ये खाना कैसे खाते हैं, तो ये दो तरह से खाते हैं, एक ये फोटोसिंथेसिस करते और दूसरा होता है कि कहीं से भी, मतलब कहीं और से खाना लेते। यहाँ तक हमने आज पढ़ा, अगर यहाँ तक आप लोगों को कहीं पे कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी प्रॉब्लम हो, जो कि समझ में नहीं आया, या फिर कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स देखूँगी और इसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए तो बस इतना ही, थैंक यू।